हेलो गाइस, और आज हम बात करेंगे एमएचटी सीईटी जो एग्ज़ाम होती है 2019 में जो होने वाली है उसकी डिटेल्स पर बात करेंगे। तो ये जो है ये एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आपको जो महाराष्ट्र स्टेट है उसमें आपको डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन मिलता है, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया अपना, बी फार्मेसी हो गया, बी फार्मा, एम फार्मा, और फार्मा डी कोर्सेज जो है उसमें आपको एडमिशन मिलेगा एमएचटी सीईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद। और जो दूसरे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है उनमें भी इसमें एडमिशन मिलता है जो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए। तो इसमें जो एग्ज़ाम डेट्स है वो रिलीज हो गई है, अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से 2 to 13th जो मई है, 2 to 13th मई ऑफ 2019, तो इस टाइम पे एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होने वाला है एमएसटी सीईटी 2019 का। और जो आपके एडमिट कार्ड से वो आ जाएंगे आपकी फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल में आप अपने एडमिट कार्ड ऑनलाइन से आप डाउनलोड करके आप प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। और जो डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम मैंने आपको बताया 2 to 13th मई, देन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है जो ये आएगा आपको 1st वीक ऑफ जून में, मतलब कि जून में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, मई में एग्जाम देंगे जून में रिजल्ट भी आ जाएगा। काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी उसी वीक में जो है आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं जो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट भी है उन सब के लिए जो फीस है, जो एप्लीकेशन फीस है वो 800 रुपीज़ है। और जो बैकवर्ड क्लास है एस सी एस टी और जो पी एच कैंडिडेट्स है ओ बी सी है इन सब के लिए जो फीस है वो 600 रुपीज़ रखी गई है। तो 800 जनरल कैटेगरी, 600 एस सी कैटेगरी, एस सी एस टी कैटेगरी एंड ऑल द बैकवर्ड क्लास। और जो इसकी एज लिमिट है तो इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है गवर्नमेंट की ओर से, एमएसटी सीईटी जो 2019 होने वाला है कोई भी एज लिमिट नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग का भी बहुत कन्फ्यूजन था तो आप क्लियर कर दिया है गवर्नमेंट ने कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी नहीं रहेगी 2019 में, तो ये भी एक काफ़ी प्लस पॉइंट है। पर जो कट ऑफ है वो इससे काफ़ी बढ़ जाएगा अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको जो सिलेबस है आपको सिलेबस पता रहना चाहिए और आपको उसका इनडेप्थ नॉलेज रहना चाहिए जो सिलेबस है उसका। और जो जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है आपको पता रहना चाहिए डिफिकल्ट टॉपिक्स कौन से जिसमें आपको मास्टर करना है, और जो इजी टॉपिक्स है वो तो ज़्यादा बच्चों के अच्छे रहते ही, तो आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स का मास्टरी हासिल करनी है। जो प्रीवियस पेपर्स है उसको एनालाइज करना है ताकि जो आपकी कमियां आपको पता चली कि अच्छा ये मुझे ये टॉपिक में से ये नहीं आता, तो आप प्रीवियस ईयर में से देख देख के पता, और ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से कई क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं तो ये भी प्लस पॉइंट रहेगा अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं तो। और जो आप डेली अगर वही तो अगर आप डेली बेसिस पे सॉल्व करेंगे चीज़ें तो आपके वो माइंड में बैठेगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा वो, कि अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, आप अगर आप कभी कभी पढ़ेंगे तो वो इतना आपके माइंड पे इफेक्टिव नहीं जाएगा। तो इसलिए आप डेली रिविजन और डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस करें जो क्वेश्चन की। और इसके बाद आप अपनी हेल्थ जो है मेंटेन करके रखें, ऐसा नहीं हो कि एग्जाम टाइम आपकी तबियत खराब हो जाए एंड ऑल दैट, तो आप आपकी हेल्थ भी। और जो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, और इसकी काउंसलिंग है ये स्टार्ट हो जाएगी जैसे आपका ये जो एग्जाम होगा उसके 1 या फिर 2 महीने बाद इसकी जो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ज़्यादातर क्या होता है काउंसलिंग के टाइम पे हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में इधर उधर घूमते हैं, तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें, आपके साथ ही रखें, क्योंकि इसमें एक तो नंबर ऑफ सीट्स अच्छी है, तो अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग दिखाने पड़ते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अभी से आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें इंक्लूडिंग इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि आपको वेरियस स्कॉलरशिप जो महाराष्ट्र स्टेट में चल रही है तो आपको उसके रिगार्डिंग जो स्कॉलरशिप में भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो एज अ ब्रदर आई एम टेलिंग दैट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ रखें क्योंकि एडमिशन के टाइम में फिर काफ़ी दिक्कत आती, तो इसलिए आप अभी से ही रेडी रहें। और अगर जो भी है जब कोई वीडियो अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा भी नॉलेजफुल लगा हो, अगर मैंने आपका कुछ भी नॉलेज बढ़ाया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका ही भाई है आप इसको सब्सक्राइब करिए। मैं एमएचटी सीईटी 2019 की सारी टॉपिक्स कवर करूँगा काउंसलिंग से लेकर आपकी जब तक आपका एडमिशन नहीं होता जब तक आपके सारे वीडियोज़ उस पर आपको दिख जाएंगे। तो प्लीज़ आपको इस चीज़ को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।